अगर ये गेम मंडिल ख़त्म हुआ था तो शायद से मैं इस वीडियो की शुरुआत ऐसे करता जस्ट फॉर बैंटर बट आई नॉट अ पेटी प्रिक एंड लेट्स बी फेयर दिस वॉज अ मजेस्टिक नाइट ऑफ फुटबॉल दिस वॉज अ मजेस्टिक गेम ऑफ फ़ुटबॉल दुनिया वालों दोस्तों विश्वास मानो इस मंजर का कि रात के साढ़े तीन बज रहे हैं चारों तरफ सन्नाटा है मैं घुटनों के बल जमीन पे आ चुका हूँ एंड नॉट फॉर डबल मीनिंग रीजन्स अबॉन माइनीस एंड आई एम विशिंग आई एम फ्लिडिंग फॉर माई टीम टू वे और जब रूडिगर ने मेरे जर्मनी के जाट ने वो पेनल्टी स्कोर की वो अनसेवेबल पेनल्टी स्कोर की आए वेंट बजर्क मैं पागल हो चुका था मैं बस चिल्ला नहीं रहा था मैं आवाज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इस एक गेम के चक्कर में सौ डंडे खाना वर्थिट नहीं है मैं ऑलमोस्ट रो चुका था इमोशनल ओवर ड्राइव टू अ लिमिट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एंड विद डैट बींग सेड आई हैव टू से थैंक यू मैन सिटी थैंक यू मैनचेस्टर सिटी फॉर बींग द टीम यू आर फॉर बींग दिस टूपेंडिस टीम देर इज़ अ रीज़न आपके मैनेजर को लोग पूछते हैं देर इज़ अ रीज़न आप पर सीरीज़ बनती हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं देर इज़ अ रीज़न आपको लोग स्टडी करते हैं देर इज अ रीज़न आपको लोग बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का टैग देते हैं और ये सब ट्रूली हैंड्स डाउन डिजर्वड है थैंक यू पैप गॉर्डियोला थैंक यू खेवन डिब्रॉइना इन मोर वेज देन वन इस गेम में मैन सिटी अग्रेसर होने वाले थे ये सब जानते थे मैन सिटी वर फेवरेट्स मैन सिटी वर दी अग्रेसर मैन सिटी के पास ज्यादा अटैकिंग ऑप्शन ज्यादा अटैकिंग आउटलेट्स ज्यादा अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज थी उन्होंने पंद्रह बीस भगवान जाने कितने कॉर्नर लिए और पेप गार्डियोला ने इस गेम में एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया इस गेम की अगर मैं टैक्टिक्स की बात करूँ लास्ट गेम में मैंने बात की थी किस तरीके से मैन सिटी वर डूइंग अ कटोरा पासिंग ऑफ शॉर्ट्स लेकिन इस बार मैन सिटी के पास अपने सारे प्लेयर आ गए थे तो इन लोगों ने क्या किया ये मैन सिटी डिड वॉट मैन सिटी डू द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन साइड ओवर और इस गेम में पेप ने सब ट्राई कर लिया सब कुछ ट्राई कर लिया पेप ने उनके अटैक के हिसाब से अडप्ट कर लिया केवन ने बुला लिया ग्रिलिश को उधर भगा लिया फोर्डन को भगा लिया डोकू को नचवा लिया हालेंड को बेंच कर दिया एक्स्ट्रा टाइम में सब ट्राई कर लिया पेप गार्डियोला ने पर वो हरा नहीं पाए इस रियाल मड्रिड को एंड रियाल मडरिड वो गॉन इस टाई से पहले इस लेग से पहले रियाल मड्रिड वो रिटर्न ऑफ सब बात कर रहे थे मैन सिटी विल विन द क्वार्टर फाइनल्स फाइनल्स दे 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 विल 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 गो गो टू टू द द द विन होल थिंग वंस अगेन और रियाल मड्रिड की कोई बात ही नहीं कर रहा था सारे फुटबॉल के ज्ञानियों ने पंडितों ने जर्नलिस्टों ने एक्सपर्टों ने सबने यह डिक्लेयर कर दिया था कि रियाल मैड्रिड नॉट स्टैंड अ चांस टू विन दिस गेम और गेम के बाद अभी भी मैं देख रहा हूँ किस तरीके के लोग हैं भाई लोग डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई मॉडर्न डे फुटबॉल इज ऑल अबाउट अटैकिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों सब देखना चाह रहे हैं एक्स जी कितनी थी पास कंप्लीशन कितनी थी चांसेस बिग चांसेस क्रिएटेड कितने थे इस सब में दुनिया लगी पड़ी है एंड नो वन अंडरस्टैंड दैट डिफेंडिंग एंड डिफेंस इज एन आर्ट इट इज अ फॉटन आर्ट इन दिस डे एन एज लोग डिसक्रेडिट करने में लगे हुए हैं रियाल मड्रिड वर लकी मैन सिटी वर द बेटर टीम मैन सिटी ऑब्वियसली अटैकिंग वाइज वर द बेटर टीम बट यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट वॉट रियाल मड्रिड इज डन रियाल मड्रिड की डिफेंसिव मास्टर क्लास देखने को मिली है भाई हमें और मैं मजाक भी नहीं कर रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम नॉट इवन ट्रोलिंग मैंने मैन सिटी को फुल दिल से इज्जत दी है लेकिन जहां पर मेरे क्लब की बात आएगी वी ऑल्सो डिमांड रिस्पेक्ट फॉर वॉट पीडियड इन दिस गेम और आप प्लेयर बाय प्लेयर बात करोगे तो वीडियो ही खत्म नहीं होगी बट बहुत चीज़ें हैं यार बात करने की इस आल मड्रिड की टीम के इस गेम में मतलब डिफेंसिव अवेयरनेस स्ट्रक्चर जो स्टेबिलिटी थी जो टैक्टिकल अस्ट्यूटनेस थी डॉन कार्लो एनचलॉटी इन इट सेल्फ इज अ बिग फैक्टर इन दिस गेम और इवन ये गेम पेनल्टीज तक कैसे चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा हाउ डिड दिस गेम गो टू पेनल्टीज क्योंकि टैक्टिकली दिख रहा था यार मडरिड फंसी हुई थी इनसाइड ओवरलोड की वजह से मडरिड उनके इकलौते वेपन काउंटर अटैक की ओर जा ही नहीं पा रही थी काउंटर अटैक करने का एक ही तरीका था आपको बॉल बाहर लेके जानी पड़ेगी टच लाइन की तरफ और फिर बॉल आगे दो विनीशियस के लिए रॉड्रीगो के लिए बेलिंगम के लिए गोल भी उसी तरीके से आया बट आप मोर ऑफन द नॉट ये नहीं कर पा रहे थे बिकॉज मैन सिटी वर स्मार्ट पेप गार्डियोला ने देखा कि विनीशियस बीच में खेल रहा है उसने राइट बैक काइल वॉकर को डिफेंस के बीच में लाकर खड़ा कर दिया बिकॉज दैट इज इज अवेयरनेस दैट इज पेप गार्डियोला भाई एंड सिटी ने प्रॉब्लम्स दी रियल मोड्रिड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी बट द दॉलिडिटी वी हैड एंड द वे रेल मडरेड प्लेड दिस गेम हम इस गेम को पेनल्टीज तक लेकर गए हैं ये गेम पेनल्टीज तक जाने वाला गेम नहीं था हमने अपने लिए वो चांस क्रिएट किया कि हम इस मैच को जीत सकते हैं और वहाँ पर ऑब्वियसली आई एक परफॉर्मेंस एक ऐसे प्लेयर की जिसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो अगर आप किसी के सामने प्रजेंट करोगे ना आधा लोगों की वैसे फट जाएगी बट मेरा यूक्रेन का शहजादा मेरा लूनिन जो, जो उस पे खड़ा उतरा है मेरे भाई ही पर मडरिडी पर रियाल जेंटलमैन राइट नाउ आर द मड्रिडी मॉन्स्टर्स आप रियाल मड्रिड को एक बार गिरा सकते हो लेकिन जब रियाल मड्रिड गिर कर वापस खड़ी होगी वो आपसे आंख में आंख मिलाकर आपसे मुकाबला करेगी एंड मोर ऑफन द नॉट जीतेगी ये बात समझ लेना कि उठकर खड़ी हुई जब रियाल मड्रिड आपके सामने वापस आएगी तो उसको हराने वाला इस दुनिया में कोई मायका लाल नहीं है दैट इज यूरोपियन रॉयल्टी दैट इज रियाल मड्रिड हार्ड लक मैन सिटी आप लोग बहुत अच्छा खेले बट नाउ द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स आर सेट इट इज रियाल मड्रिड वर्स इज बाय एंड यूनिक एंड बुरुसिया डॉटमंड वर्सिज पी एस जी एक तो खलीफी के कुएं बंद कराओ कोई माँ कसम मेरी बला से उसका पैसा रियाल मडरिड नहीं तो मैं नहीं तो भगवान ही डुबा देगा मेरी बड़ी बड़ी दिल्ली तमन्ना है कि एक अंडरडॉग स्टोरी हो हमें बोरुसिया डॉटमेंट फाइनल में आती दिखे आपकी क्या तमन्ना है आपके क्या थाट्स हैं क्या एक्सप्रेशन हैं इस मैच को लेकर के इस चैंपियंस लीग कैंपेन को लेकर के वो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना साथ ही साथ रोड टू यूरोज को फॉलो करना मत भूलना द सीरीज इज गोइंग ऑन ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स हमने फिलहाल इटली फ्रांस और पोर्चुगल कवर कर लिया है आपकी सारी फेवरेट टीम्स इस यूरोज में जो आने वाली हैं वो सब इस सीरीज़ में फीचर की जाएंगी सो डू चेक इट आउट एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल आई सी यू गाइज कारा साइनिंग ऑफ Hala Madrid.